पिंपल्स एक हो, चार हो या पूरे फेस में हो, चलिए देखते हैं इसे कैसे रिमूव करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अनदर यूजफुल वीडियो विद यू। यस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ यू कैन रिमूव योर एक्ने पिंपल्स विद इन अ वीक विद टू बेसिक प्रोडक्ट्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने एक्ने पिंपल्स को रिमूव कर सकते हो, वो भी वन वीक में टू प्रोडक्ट्स के साथ। तो स्टेप बाय स्टेप जो भी होगा प्रोसेस वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बट आपको इसके लिए कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने एक्सपेरिमेंट दो लोगों के ऊपर किया है, एक मेरी सिस्टर के ऊपर एंड एक मेरी फ्रेंड के ऊपर। मेरी सिस्टर के इस पार्ट एंड इस पार्ट में पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रखे हैं एंड कंटिन्यू आते रहते जाते हैं फिर आते हैं। तो उसका रीजन ये है कि उसका पॉल्यूशन एंड डर्ट की कॉन्टेक्ट में जब भी आती है तो उसके यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है। एंड प्रोडक्ट्स के साथ स्किन केयर करने के लिए कहा था वन वीक तक कंटिन्यू, बट वो वन वीक तक नहीं कंटिन्यू कर पाई। दैट इज वाई उसे अभी तक 100% रिजल्ट नहीं मिल पाया है। सो मेक श्योर आप वन वीक तक इसे जरूर ट्राई करिएगा, तभी आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके फोरहेड पे पिंपल्स है, उसके बिल्कुल क्लीन हो चुका है बिकॉज उसने वन वीक तक उसे फॉलो किया था। अगर वो सेफ नहीं रही बिकॉज उसके भी पॉल्यूशन एंड डर्ट की वजह से ही उसके यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर जैसे ही वो उसके कॉन्टेक्ट में आएगी उसके दोबारा से पिंपल होने के चांसेस है। 100% रिजल्ट देखने को मिला था। एक और बात मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, अगर आपके जिद्दी पिंपल्स हैं, पूरे फेस में एक्ने हो चुके हैं और जा ही नहीं रहे हैं, तो आपको उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। आपको 2 वीक्स या 1 मंथ भी लग सकता है या उससे ज्यादा भी लग सकता है, ये आपके पिंपल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको बार बार एक ही चीज बताना चाहती हूँ कि आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक आपके वो सही नहीं हो जाते। तो मैं यहाँ पर जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये 2 प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो दोनों ही प्रोडक्ट्स को आप जानते होंगे अगर आप मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हो। तो फर्स्ट वन इज दिस फ्रूट ऑफ द अर्थ का मूलमट फेशियल बार। तो ये इतना बड़ा बार नहीं है, इसके अंदर 4 बार आते हैं छोटे छोटे से। एंड वन इज दिस, दिस इज फेस पैक नीम एंड रोज मैरी जो फ्रूट ऑफ द अर्थ का है। दोनों ही एक्ने प्रॉन स्किन के लिए बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो या अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसको शेयर करती हूँ कैसे आपको इसे अप्लाई करना है। बट वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। दोनों ही प्रोडक्ट्स से मुझे डिस्काउंट मिलता है ऑन द स्पॉट। डिस्काउंट कैसे मिलता है वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा। सो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो या Without wasting any time, let's get started. But उससे पहले ये रेड कलर के बटन को प्रेस कर दो, इट्स टोटली फ्री एंड हिट द बेल बटन जिससे आप नोटिफाई होते रहेंगे। डो नॉट स्किप द वीडियो। करते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है जो ये वाला सोप है, आप देख सकते हो फ्रूट ऑफ द अर्थ इसमें लिखा हुआ होता है। तो हमें इसे डायरेक्टली अपने स्किन में अप्लाई नहीं करना बिकॉज ये बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा हमारी स्किन के लिए, और इस टाइम पे तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हो रही होती है। तो मैं अपने पर्टिकुलर एरिया को चूज करके वहीं पर इसे अप्लाई करूंगी जहां पर आपके पिंपल्स होगा। तो मैं भी अपने चिन पे ही इसे अप्लाई करूंगी। इसका फेस पैक अप्लाई करेंगे एंड मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि फेस पैक आपको थ्राइस अ वीक या ट्वाइस अ वीक ही से फॉलो करना चाहिए, बट अगर आपके पिंपल्स है तो आपको कुछ इस तरह से फॉलो करना है। तो इसे हाथों में रब करके, झाग नहीं आता है तो इसे इस तरह से अप्लाई करूंगी। मैंने इसे वॉश ऑफ भी कर लिया। तो अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, जो है ये फेस पैक। तो जहां पर आपका, जिस एरिया में आपके पिंपल्स होंगे वहीं पर आपको इसे अप्लाई करना है डॉट डॉट करते हुए। तो मैं अपने चिन एरिया पे फोकस करते हुए इसे अप्लाई करूं। मैं अगर चिन एरिया पे कर रही हूं तो ऐसा नहीं है कि आपको भी चिन एरिया पे करना है, आपको पिंपल से फोकस करते हुए ही इसे अप्लाई करना है। तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है अपने चिन पे। यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ कि आपको इसे ट्वाइस अ डे करना है, मॉर्निंग एंड नाइट पे आपको इसे फॉलो करना है। मॉर्निंग में आपने ये 2 बेसिक स्टेप्स अप्लाई कर लिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम देना है। इसको अप्लाई करने के बाद अपना आप कोई भी वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट जब आप इसे नाइट में अप्लाई करोगे तो आपको इसे नाइट में अप्लाई करने के बाद सो जाना है। मेक श्योर आप इसे आफ्टर डिनर ही अप्लाई करें, सोने से पहले इसे अप्लाई करें, उसके बाद आपको सो जाना है। मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो आपको इसे क्लीन कर लेना है। तो आपको ये दिन में 2 बार करना है एंड हफ्ते में लगातार करना है, तो ही आपको इसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। पिंपल्स को आप कैसे रिमूव कर सकते हो विद इन अ वीक, बट अगर आपको पिंपल्स अपने फेस में चाहिए ही नहीं तो आपको करना होगा स्किन केयर। डेली बेसिस में आपको सीटीएम प्रोसेस करना है एंड वीकली प्रोसेस में आपको क्लीन अप करना ही करना है। तो वीडियो अगर आपको सीटीएम एंड क्लीन अप की वीडियोस आपको देखनी तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। मैं साथ शेयर करती हूँ कि मुझे डिस्काउंट कैसे मिला है। तो मैंने किया है मोदी केयर को ज्वाइन, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो, बेनिफिट्स पाना चाहते हो, तो आपको करना है इस नंबर पे कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको सिर्फ आधार कार्ड ही सेंड करना है, अदर कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं वहां से लेनी है। वहां पर मैं सिर्फ आपकी आईडीज आपको बना के दे सकती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझे बताइए, उसके बाद मैं वीडियो के थ्रू आपका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय बाय।